हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम स्टडी करेंगे न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चंस की। और जैसा कि आप जानते हैं कि SBI क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है अभी 23, 24 और 30 तारीख को, और SBI PO और RRB एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, क्या इनके लिए अप्रोच रहनी चाहिए और किस तरीके से हम इनको एक्यूरेटली जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो क्लास में देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखें। देखिए, ये एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को, नए नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस समय एग्ज़ाम्स में, तो उसके लिए आपको ये जो डायरेक्शंस दिए रहते हैं यहाँ पर, जैसे ये डायरेक्शन दिया है, यहाँ पर नंबर दिया रहता है क्वेश्चंस का, जैसे आप ये देख सकते हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, इस पूरे डायरेक्शन को, तो आप ये क्वेश्चन है इसको अच्छे तरीके से अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर और ये पूरा एक सेंटेंस पांच पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो चार पार्ट इसमें से करेक्ट हैं और एक पार्ट इसमें से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट को हटा के आपको जो सीक्वेंस बनेगा वो है आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि बी पार्ट गलत है तो बी को हटा के जो सीक्वेंस बनेगा आपका, जैसे ACDE, ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये आपका आंसर होगा। यानी गलत पार्ट को आपको हटा के चार पार्ट जो बचेंगे उन चार पार्ट का एक सीक्वेंस बनाना है और वो जो सीक्वेंस होगा वही आपका आंसर इसमें होगा। ठीक है, तो हमने अब डायरेक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, यहां से पढ़ते हैं, इजिप्ट्स एंडेमिक करप्शन एंड ए शियर लैक ऑफ डिजायर अमंगेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू डू एन ऑनेस्ट डेज वर्क इज ब्यूटिफुली कैप्चरिंग इन द नील हिल्टन इंसिडेंट बाय तारिक साले अ स्वीडिश फिल्म मेकर ऑफ इजिप्शियन ओरिजिन। तो इस सेंटेंस में हम क्या बता रहे हैं, इस सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि इजिप्शियन इंडेमिक करप्शन, मतलब एक तो इजिप्शियन इंडेमिक करप्शन और एक शियर लैक ऑफ डिजायर अमंगेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल टू डू एन ऑनेस्ट डे वर्क। ठीक है, इस चीज को हम कैप्चर कर रहे हैं, ये चीज कैप्चर की गई है। किस में कैप्चर की गई है? नील हिल्टन इंसिडेंट में। तारिक साले ने, जो स्वीडिश फिल्म मेकर है, उन्होंने जो नील हिल्टन इंसिडेंट को कैप्चर किया है, इसको एक ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को कैप्चर किया गया है। किस चीज को कैप्चर किया गया है? इजिप्ट का जो एंडेमिक करप्शन है और शियर लैक ऑफ डिजायर है गवर्नमेंट की, चाहते हैं। ठीक है, इस चीज को कैप्चर किया गया है किसमें? तारिक शाह ने, जो स्वीडिश फिल्म मेकर है, उन्होंने जो फिल्म बनाई है उसमें ब्यूटीफुली कैप्चर इसको किया गया है। तो ये इसका मतलब है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गलती क्या है? यहाँ पर देखिए, यदि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें कि इज लगा हुआ है। ठीक है, तो इज एम आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इज ब्यूटीफुली कैप्चर्ड। ठीक है, तो सी पार्ट जो है ये ग्रामेटिकली यहां पर रॉन्ग है। इज ब्यूटीफुली कैप्चर्ड मतलब इसको कैप्चर किया गया है, इज ब्यूटीफुली कैप्चर्ड, तो सी पार्ट इसका गलत है। ठीक है, तो अब आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जिस कॉम्बिनेशन में सी नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। सी इसमें है, सी इसमें है और सी इसमें है। ठीक है, यानी सी पार्ट में सी नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका? सी वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको समझते हुए सारे क्वेश्चंस को करना है और बिल्कुल भी तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। किसी भी बैंकिंग एग्जाम में, किसी भी SSC एग्जाम में, यदि आप 100% श्योर हैं तभी आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे वोकैबुलरी के बारे में पूछा है कि अपनी वोकैबुलरी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वोकेबलरी के लिए मैं बता देता हूं आपको। वोकेबलरी के लिए इंग्लिश एडवांटेज चैनल की तरफ से 6 ई-बुक क्रिएट की गई हैं, 6 ई-बुक क्रिएट की गई हैं। ठीक है, इन 6 ई-बुक में करीब 2500 वर्ड्स हैं और सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, और इन वर्ड्स को यदि आप करते हैं तो आपका SSC का और बैंकिंग का पूरा, जितना भी वोकेबलरी का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे तो एक ई-बुक ये 49 रुपीज़ की है, लेकिन अभी ये ऑफर में चल रहे हैं, सारी ई-बुक्स ऑफर में चल रही हैं, तो इन 6 ई-बुक को आप केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इन ई-बुक्स को आप ले सकते हैं और अपनी वोकेबलरी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है,
The instruction issued by the board to the center included identifying a safe and secure room for what? For installing of computer and printer and ensuring high speed internet connection. अब देखिए फॉर जो होता है एक प्रपोजिशन होता है और फॉर का जो आंसर होता है यदि मैं आपसे बोलूं कि फॉर व्हाट, ठीक है, आई एम ईटिंग फूड फॉर व्हाट, तो फॉर का जो आंसर आएगा वो हमेशा नाउन के फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो फॉर के बाद यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको एक नाउन फॉर्म चाहिए और इंस्टॉलिंग का जो नाउन फॉर्म होगी वो होगी इंस्टॉलमेंट. ठीक है, इंस्टॉलमेंट नहीं, इंस्टॉलेशन. ठीक है, इंस्टॉलेशन इसका नाउन फॉर्म होगा. तो इंस्टॉलिंग यहाँ पर गलत है और इसकी जगह होना चाहिए इंस्टॉलेशन. अ सेफ एंड सिक्योर रूम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर, फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ कंप्यूटर नहीं, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर कहना यहाँ पर सही होगा. हालांकि इंस्टॉलिंग यहाँ पर सही लग रहा है लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. ठीक है, इंस्टॉलेशन कहना यहाँ पर इस सेंटेंस में सही होगा. तो इस सेंटेंस में आपका कौन सा पार्ट गलत हुआ, आपका सी पार्ट गलत हुआ. ठीक है, इंस्टॉलेशन जो है वो सी पार्ट में है. तो आपका आंसर क्या होगा जिसमें सी नहीं होगा, सी देखिए इसमें है और इसमें है, इसमें सी नहीं है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इसमें ए. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है. अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं हम. कंटेम्प्रेरी इजिप्शियन सिनेमा हैज इट्स ओन स्टाइल इन द फिल्म दैट ट्रेबल वाइड आर यूजुअली बिकॉज ऑफ देयर थीम एंड नॉट द फिल्म मेकर. देखिए थीम का इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी इजिप्शियन सिनेमा जो है इसकी खुद की एक स्टाइल है, हैज इट्स ओन स्टाइल एंड द फिल्म दैट ट्रेबल वाइड आर यूजुअली बिकॉज ऑफ द थीम एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फिल्म मेकिंग. ठीक है, थीम का इक्विवेलेंट क्या है, थीम का इक्विवेलेंट जो है वो फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकर नहीं है, फिल्म मेकिंग की यहाँ पर बात हो रही है. तो इसलिए ई पार्ट जो है इसमें गलत है. अब ई इसमें है. ठीक है, आपका आंसर क्या होगा इसमें, आपका आंसर होगा बी पार्ट इसमें करेक्ट है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं. द डैम ब्रीच्ड ऑन सैटरडे एंड इनंडेटेड सेवरल एरियाज. अब देखिए यदि आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है, इनंडेटेड और ब्रीच, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे. इसलिए बैंकिंग एग्जाम्स में और निश्चित रूप से एसएससी एग्जाम्स में भी आपकी वोकेबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उसका. तो इसलिए वोकेबलरी यदि आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपनी, तो 6 ईबुक का हमारा जो सेट है उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से 99 रुपीज़ में 6 ईबुक आप ले लीजिए और उसके थ्रू आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी. ठीक है, तो इनंडेटेड का मतलब होता है कि पानी से उसने भर दिया, वहाँ पर बाढ़ आ गई. और ब्रीच का मतलब है कि उसको किसी, ब्रीच का मतलब होता है किसी लॉ को, किसी कानून को तोड़ देना, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना, डिसऑबे करना. ठीक है, ये ब्रीच, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो द डैम ब्रीच ऑन सैटरडे एंड इनंडेटेड सेवरल एरियाज, मतलब डैम जो है उसने अपनी सीमाएँ जो हैं वो तोड़ दी और सेवरल एरियाज को उसने इनंडेट कर दिया. ठीक है, वहाँ पर पानी भर गया. ओवर 50 फैमिलीज इवैक्यूएशन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखिए यहाँ पर यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, ओवर 50 फैमिली. अब देखिए बाय जो होता है, बाय से पहले क्या आता है, बाय से पहले हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की. ओवर 50 फैमिली इवैक्यूएटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर टेकिंग शेल्टर इन कम्युनिटी हॉल. मतलब 50 ऐसी फैमिली जिनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बाहर निकाला गया है, खाली कराया गया है उस एरिया को. ठीक है, तो देखिए इवैक्यूएशन का भी मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप ये सेंटेंस, इसमें तीन मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रीच, इनंडेटेड और इवैक्यूएशन. यदि ये तीन आपको नहीं पता हैं तो आप इस सेंटेंस को नहीं कर पाएंगे. और ये तीनों मीनिंग और इस तरह के हाई फ्रिक्वेंसी जो 2500 वर्ड्स हैं वो हमारी ई बुक्स में आपको मिल जाएंगे. उन ई बुक्स को आप ज़रूर परचेज करें और उनसे आप फ़ायदा उठाएं. ठीक है, तो इवैक्यूएटेड वर्ड यहाँ पर आएगा क्योंकि बाय जो है, बाय के साथ हम क्या लगाएंगे, बाय के पहले हम थर्ड फॉर्म ही तो लगाएंगे, तो इसलिए इवैक्यूएटेड वर्ड यहाँ पर आपका आएगा यहाँ पर. तो इसमें कौन सा पार्ट गलत हुआ, इसमें बी पार्ट आपका गलत हुआ. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
जिसमें बी नहीं है। देखिए इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, आपका आंसर होगा ए, ए सी डी ई, इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, इसमें 12 क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन इसमें लिए हैं मैंने। नो मेजर इंस्टेंस, इंस्टेंस का क्या मतलब है, इंस्टेंस का मतलब है घटना, किसी चीज़ का किसी भी कोई भी घटना या इंसिडेंट उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस, उदाहरण, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को। नो मेजर इंस्टेंस ऑफ वायलेंस वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द स्ट्राइक विच बिगेन एट मिड नाइट ऑन सैटरडे एंड हैड एंडेड एट मिड नाइट ऑन मंडे। ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और इस सेंटेंस को मैं पूरा फिर से पढ़ के बताता हूँ, इसमें किसकी बात हो रही है। नो मेजर इंस्टेंस ऑफ वायलेंस मतलब हिंसा की कोई भी घटना नहीं हुई फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द स्ट्राइक, जब स्ट्राइक हुई, जब हड़ताल हुई, उस समय हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। विच बिगेन एट मिड नाइट, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम शुरू होने और ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, और जो घटना है वो क्या है, हम स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक इस समय शुरू हुई और इस समय ख़त्म हुई, यानी पास्ट की हम दो इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट ख़त्म हो गया और एक इंसिडेंट शुरू हो गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, दो अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर का आना और मरीज का मरना, ये दो अलग अलग इंसिडेंट हैं, लेकिन इसमें हम एक ही इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि शुरू हुई और इतने बजे ख़त्म हुई, ठीक है। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इसमें रोल नहीं है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का रोल नहीं है। यहाँ पर वर्ड है ये हैड एंडेड, ये गलत है इसमें, और ई पार्ट जो है वो गलत है, और आपका आंसर क्या होगा इसमें, आंसर हम देख लेते हैं कि आंसर इसमें क्या होगा, जिसमें ई नहीं होगा, ई इसमें तो है, ई इसमें है, ई इसमें है, आपका आंसर होगा डी, ए बी सी डी, ये इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, द रिलेटिव्स ऑल्सो स्टेज अ ब्रीफ धरना एट द गेट ऑफ द कार्गो टर्मिनल व्हेन दे वर टेलिंग दैट ऑफिशियल्स वुड नॉट अलाउ देम टू सी द रिमेन्स ऑफ द मैन। देखिए इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इस क्वेश्चन का अर्थ आपको समझना जरूरी है, तभी आप इस पूरे क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं इसका मतलब बताता हूं आपको, द रिलेटिव्स ऑल्सो स्टेज अ ब्रीफ धरना, जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार मतलब किसी व्यक्ति के थे, उन्होंने एक धरना दिया वहां पर, कहां पर धरना दिया, एट द गेट ऑफ द कार्गो टर्मिनल, एट द गेट ऑफ द कार्गो टर्मिनल पर रिलेटिव्स ने एक धरना दिया, ठीक है, वहां पर वो हड़ताल करने के लिए बैठ गए। उसका रीजन क्या था, उन्होंने धरना क्यों किया, वेन दे वर टेलिंग दैट द ऑफिशियल वुड नॉट अलाउ देम टू सी द रिमेन्स ऑफ द मेन, क्योंकि ऑफिशियल्स के द्वारा मना कर दिया गया कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो मैन के रिमेन्स देख लें, उनका कोई रिश्तेदार मर गया होगा तो वहां पर ऑफिशियल्स को मना कर रहे थे कि उनके रिमेन्स जो हैं, उनका जो बाकी बचा हुआ जो चीज़ें हैं वो उनके नहीं देख पाएंगे, रिमेन्स मतलब बाकी बचा हुआ कोई भी चीज़ उसको नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि when they were told, जब उनको बताया गया, तभी तो वो उन्होंने धरना दिया, जब उनको बताया गया कि ऑफिशियल्स जो हैं वो उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो मैन का, उनका जो रिश्तेदार है उनके वो रिमेन्स को देख सकें, तो यहाँ पर हम बोलेंगे when they were told, ठीक है, when they were told कहना यहाँ पर सही होगा, यानी सी पार्ट जो है इसमें गलत है। अब सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, यानी आपका आंसर होगा इसमें डी, ठीक है, डी इसमें आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज आर एडवाइज्ड टू सेंसिटाइज द लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर टेकिंग स्टेप्स फॉर प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी आर एडवाइस, उनको एडवाइस किया गया है, एडवाइस किसके लिए किया गया है कि वो सेंसिटाइज करें, मतलब उसको सेंसिटिव बनाएं, किस चीज़ को सेंसिटिव बनाएं, लॉ इन्फोर्समेंट को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, किस लिए सेंसिटाइज करें, उनको किस लिए सेंसिटिव बनाएं, फॉर टेकिंग स्टेप्स फॉर प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल तरीके से देश के अंदर घुस के आ जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाए।
तो ये सेंटेंस जो है ये सही है, इसमें कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रही है, इसलिए इसका आंसर होगा नो एरर। इस तरीके से इन सेंटेंस को आपको करना है, नो एरर ये सेंटेंस है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड पीपल, सम पीपल विद इविल थॉट्स आर हेल बेंटिंग ऑन डिवाइडिंग अस, दे विल कंटिन्यू टू मेक सच एफर्ट्स। देखते हैं सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, देयर इज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड पीपल, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। सम पीपल विद इविल थॉट्स, कुछ ऐसे लोग जिनके गंदे विचार हैं, जिनके गलत विचार हैं, दे आर वॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, जैसे यदि मैं बोलूँ कि दे आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या हुआ, ठीक है। यदि मैं बोलूँ आपसे कि दे आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या हुआ, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हुआ। तो इसलिए यहाँ पर इसमें इस सेंटेंस में यहाँ पर इसमें एडजेक्टिव आपको चाहिए, ठीक है। दे आर इंटेलिजेंट, दे आर फूलिश, दे आर स्टूपिड्स, तो यहाँ पर आर के बाद यहाँ पर आपको एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। और एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, एडजेक्टिव फॉर्म होती है हेल बेंट। हेल बेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय कर लिया है किसी काम को करने के लिए, दे आर हेल बेंट ऑन डूइंग समथिंग। हेल बेंट के बाद हम ऑन लगाते हैं, लेकिन हेल बेंटिंग नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डी पार्ट इसमें गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी इसमें है, आपका आंसर होगा इसमें बी, ठीक है, बी इसमें आपका आंसर होगा। चलिए ये टाइप टू के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, पहले हम डायरेक्शंस को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि 5 पार्ट दिए हैं, एक पार्ट ऑलरेडी करेक्ट है, ई पार्ट जो है वो ऑलरेडी करेक्ट है। अब 4 पार्ट में से 3 पार्ट गलत हैं और एक सही पार्ट जो है उसको आपको निकालना है, ठीक है, ये करना है आपको। ए रामायण गलत क्यों है, क्योंकि रामायण से पहले द आएगा, प्रॉपर नाउन है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इज नॉट जस्ट एन स्टोरी, स्टोरी से पहले एन नहीं आएगा, ये गलत हो गया। स्टोरी दैट प्रोबेबली ये पार्ट इसमें सही है, स्टोरी दैट प्रोबेबली। अकर्स नहीं आएगा, क्योंकि रामायण की जो घटना है, जो भी स्टोरी है, वो सेंचुरीज अगो, कई शताब्दी पहले वो घटित हुई, तो इसलिए अकर्ड इसमें गलत होगा, ठीक है, सेवरल सेंचुरीज अगो। तो इसमें सी पार्ट आपका सही है, ई पार्ट ऑलरेडी सही है, और जो 4 पार्ट हैं उसमें से 3 पार्ट गलत हैं, एक पार्ट आपको सही निकालना है, सी पार्ट इसमें आपका सही है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज एन फेलियर, एन नहीं आएगा फेलियर से पहले, तो ये गलत हो गया। देयर इज अ फेलियर इन स्टोरी टेलिंग वेयर द डेथ ऑफ ए लैंग्वेज हैज बिकम अ लिटेनी ऑफ नंबर्स, लिटेनी का मतलब होता है सीरीज, तो ये पार्ट तो ऑलरेडी सही है, ठीक है। देयर इज अ फेलियर, यहाँ पर एक्चुअली ऑफ होना चाहिए, देयर इज अ फेलियर ऑफ स्टोरी, फेलियर ऑफ वॉट, फेलियर ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो यहां पर ऑफ होना चाहिए इसमें। देयर इज ए फेलियर ऑफ स्टोरी टेलिंग वेयर द डेथ ऑफ ए लैंग्वेज हैज, नहीं आएगा इसमें क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात कर रहे हैं, बिकम्स आया लिटेनी ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो इसमें वेयर द डेथ ऑफ ए, यानी सी पार्ट जो है इसमें आपका सही है, इसमें आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ, देखिए इसमें ये वाला जो पार्ट है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ठीक है, तो ये पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो ये पार्ट करेक्ट पार्ट है, तो इसलिए बाकी का जो पार्ट है उसको हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में करना पड़ेगा। तो इसमें वॉज है तो ये गलत हो गया। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ, यहाँ पर द होना चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ, यहाँ पर दोज नहीं आएगा, दीज मैनी ईयर्स आएगा, क्योंकि दोज पास्ट में लगाते हैं हम, दीज मैनी ईयर्स दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फास्ट, इसमें आपका डी पार्ट जो है वो सही है, तो आंसर होगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आर डेमोक्रेसी दैट फेल,
डेमोक्रेसी दैट फेल्स होगा, तो ये पार्ट गलत हो गया. अ डेमोक्रेसी दैट फेल्स, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू बी इन्वेंटिव होगा यहाँ पर. टू बी इन्वेंटिव अबाउट कल्चर इवेंचुअली बिकम्स, नॉमिनल से पहले यहाँ एन नहीं आएगा, तो ये इसमें गलत हो गया. और ई पार्ट पहले ही सही है, सी पार्ट इसमें आंसर होगा आपका, सी पार्ट इसमें आपका सही है. तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा सी. ठीक है, तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है. इस तरह के वीडियोस मैं काफ़ी अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर, तो इसलिए इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें. इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल. और यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या आप ई बुक्स लेना चाहते हैं वोकैबलरी के लिए, तो इसका इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और ई बुक्स आप ले सकते हैं. यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ई कोर्स भी हमारा आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं. और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं. ठीक है, ई कोर्स के रिगार्डिंग भी इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं. बैंक PO के लिए और SSC के लिए ई कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको आप मोबाइल पर देख सकते हैं और इनके थ्रू आप सेल्फ स्टडी करके अपनी सफलता सुनिश्चित आप कर सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे. Thank you.